दिस न्यूज इज प्रेजेंटेड बाई वैभव एंटरप्राइजेस। हर प्रकार का मार्बल, टाइल्स, पेंट, हार्डवेयर, सैनिटरी का सामान बाजार से कम दामों पर खरीदें। मेन मार्केट बकरेड़ी। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उपायुक्त हरिकेश मीणा द्वारा हमीरपुर शहर को स्वच्छ बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं उनकी तरफ। हमीरपुर शहर में सड़क निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए स्वयं डिप्टी कमिश्नर महोदय आए और एसडीएम के साथ उन्होंने पूरे शहर का दौरा किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमीरपुर शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए तथा बस स्टैंड के पास डबल सड़क बनाई जा रही है, जिसकी वजह से जाम की जो समस्या है उसका स्थायी समाधान किया जाएगा और वहां पर जो खोखे वाले हैं उनको भी सही जगह पर एडजस्ट करने का बीड़ा डिप्टी कमिश्नर महोदय ने उठाया है। उपायुक्त हमीरपुर हरिकेश मीणा ने आज नदौन चौक से बस स्टैंड तक लोक निर्माण विभाग द्वारा किए जा रहे सड़क, नालियों तथा फुटपाथ के कार्य, राजस्व विभाग द्वारा की गई निशानदेही के कार्य का अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बिजली तथा सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सड़क के दोनों तरफ तथा लटकी हुई बिजली की तारों तथा खंभों को और पेयजल पाइपों को हटाने के निर्देश दिए ताकि शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने अधिकारियों को लोगों को पेयजल के कनेक्शन व्यवस्थित करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो और सड़क पर भी पानी की लीकेज ना हो। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि बस स्टैंड हमीरपुर के पास लोक निर्माण विभाग की 5.5 कनाल भूमि पर डबल वे सड़क का निर्माण किया जाएगा, साथ में पार्किंग के लिए भी व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए तथा साथ ही एमसी को नोटिस भेजने के निर्देश दिए ताकि लोक निर्माण विभाग की जगह से अवैध रूप से लगे हुए खोखा धारकों को हटाया जा सके। उन्होंने कहा कि खोखा धारकों को भी सही स्थान पर व्यवस्थित किया जाएगा, लेकिन बस स्टैंड के पास खाली भूमि पर अलग तरीके से डबल वे सड़क का निर्माण किया जाएगा। इससे जहां शहर स्वच्छ व सुंदर बनेगा, वही बस स्टैंड के पास यातायात जाम की समस्या का भी स्थायी तौर पर समाधान किया जा सकता है। इसके साथ ही स्थानीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के ग्राउंड की ओर जाने वाले रास्ते तथा गेट को भी भव्य एवं सुंदर ढंग से निर्मित किया जाएगा। इसके लिए भी लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को डिजाइन तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और साथ में लोक निर्माण विभाग द्वारा नदौन चौक से लेकर भोटा चौक तक जो सड़क, नालियां तथा फुटपाथ का कार्य किया जा रहा है वह सही तरीके से किया जाएगा, लेकिन बस स्टैंड वाले भाग को अलग तरह से निर्मित करने के चलते वर्तमान नालियों और फुटपाथ के कार्य को अलग से डिजाइन करने के बाद ही किया जाएगा। इस अवसर पर एसडीएम डॉक्टर चिरंजी लाल चौहान, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग विवेक शर्मा, एसडीओ आईपीएच राकेश गर्ग, तहसीलदार राजीव ठाकुर, कार्यकारी अधिकारी एमसी केएल ठाकुर और कानूनगो अमरजीत भी उपस्थित रहे। दोस्तों ये रही खबर हमीरपुर जिला से जुड़ी हुई। जीवन उत्साह न्यूज आपके बीच में हमेशा प्रयास करता है कि आपके बीच में छोटी छोटी समस्याएं जो अधिकारियों द्वारा समाधान की जाती हैं या फिर ऐसी समस्याएं जो प्रशासन तक नहीं पहुंच पाती हैं आप तक जानकारी पहुंचाई जाए। यदि आपको न्यूज पसंद आई हो लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह की सभी न्यूज आपके पास पहुंचती रहे। आप और हम अपने शहर, अपने क्षेत्र की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।